राइट, सो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने आज जाने जाइए फिल्म देखी है। हालांकि मैं थोड़ा एक दिन लेट हूँ पर उसके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। बट एनीवे गाइस, आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म क्योंकि मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी ऑलरेडी कहा था। तो करीना कपूर खान, विजय वर्मा और जयदीप अहलावत स्टारर ये फिल्म है, एक सस्पेंस थ्रिल और क्राइम के जॉनरा की। एंड ऑब्वियसली जब इस जॉनरा की कोई भी फिल्म आती है तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि वो ओटीटी पे ही आनी चाहिए, ना कि थिएटर में। क्योंकि थिएटर में जाने के बाद ना आजकल वो माहौल नहीं रहा जहाँ पर लोग सुनने देंगे एटलीस्ट फिल्मों को, राइट? अब बस मास वाली फिल्में ही थिएटर्स में चल रही है। तो इसलिए आई थिंक दैट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द डायरेक्टर एंड बाय द एंटायर टीम। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि मुझे इस फिल्म के बारे में क्या लगा ओवरऑल। सबसे पहले हम लोग उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। सबसे पहला एस्पेक्ट, इस फिल्म का डार्क टोन। थ्रू आउट द फिल्म पूरा डार्क पैलेट इस्तेमाल किया गया है, कलर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ एडिटिंग में, जिसकी वजह से ना ये काफी डार्क और इंटेंस हमें महसूस होती है, फील होती है, एंड आई रियली लाइक दैट। सेकेंड थिंग, इस फिल्म के लोकेशंस एंड यू नो द फॉग वाला वेदर एंड एवरीथिंग, लाइक पहाड़ों वाला रास्ता, एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल टाउन जहां पर ऑलमोस्ट सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं लिटरली। एंड ये देख के ना बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम सब लोग अगर कोई गांव से बिलोंग करते हैं, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वो वाला माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, काफ़ी रियलिस्टिक भी वो चीज़ मुझे लगी, वो अप्रोच मुझे पसंद आया। सेकेंड थिंग कि जो पहाड़ों वाला रास्ता है कि लिटरली जिस तरीके से स्कूल दिखाया गया है, जिस तरीके से यू नो करीना कपूर खान एक कैफ़े चलाती है टिफिन नाम का ऑब्वियसली, जहाँ पर वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ लोकेशन ऐसे सेट किए गए हैं ना, कैमरा एंगल हो सकता है, सिनेमेटोग्राफी हो सकती है, मुझे बहुत 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 मतलब टॉप नॉच लगा, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक इज आल्सो वेरी नाइस। सुजय घोष जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से पुराने कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स को बीच बीच में इस्तेमाल किया गया है। सीधी सादी पारिवारिक औरत है, शायद है शायद नहीं, आपको बीच बीच में वो लगेगा, आप एक नॉस्टैल्जिया फील करोगे, तो आई रियली लाइक दैट। अगला प्लस पॉइंट जो मुझे लगा कि इस पूरी फिल्म की जान है कौन? करीना कपूर खान, बिल्कुल नहीं, जयदीप अहलावत। भाई साहब ये बंदा, मतलब ये बंदा छा गया है। ऑफ कोर्स विजय वर्मा ने भी अपना काम बहुत बेहतरीन किया है, जो उनसे उम्मीदें थी। करीना कपूर खान के लिए भी ये जॉनरा काफी नया था और ओटीटी का उनका पहला डेब्यूट था, बट अभी तक वो हमें काफी ग्लैमरस यू नो पू वाले कैरेक्टर्स में दिखी है। पर अब मुझे लगता है कि पहली बार इस जॉनरा में करीना कपूर खान बहुत ही बहुत ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगी है। पर क्योंकि सामने जयदीप अहलावत है तो ऑब्वियसली उनके सामने बाकी दोनों के परफॉर्मेंसेस आई कांट से कि फीके पड़ गए, बट सबसे ऊपर जयदीप अहलावत है। भाई साहब उस अकेले बंदे ने इस पूरे फिल्म को उठाया है उसके कंधों पर। एंड एक सीन है जहां पर रात का समय है और जयदीप अहलावत यू नो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंड उस समय में उनका जो डिवोशन है यू नो मार्शल आर्ट्स के प्रति या फिर कराटे के प्रति, तो बेसिकली वो उन्होंने एक रास्ते पे एक सीन नाइट में दिखाया गया है। दैट वॉज सच एन आइकॉनिक सीन, ट्रस्ट मी, जब आप ये मूवी देखोगे ना आपको वो सीन डेफिनेटली याद रहेगा कि जब आप बहुत ज़्यादा यू नो इंटेंस टेंशन वाला माहौल होता है आपके दिमाग में, तब आपको खुद को शांत करना, खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस टाइम पर आप क्या ऐसी चीज़ करते हो जो आपके सबसे दिल के करीब हो। मैं उस सीन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई, मुझे ऐसे ऐसे ढेर सारे सीन्स हैं पर ऑफकोर्स मैं हर सीन नहीं गिना सकती हूँ। बट येस, मुझे सुजय घोष की यू नो डायरेक्शन में बनी हुई सारी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कहानी टू बदला ये सारी फिल्में काफी आउटस्टैंडिंग थी, काफी अलग थी। जब जब ये रिलीज हुई है अगर आप गौर से देखोगे तो उस दौरान इस तरीके की फिल्में आना काफी अलग था, इसलिए शायद ऑडियंस वाज नॉट रेडी फॉर सच टाइप ऑफ फिल्म्स। बट आज की ऑडियंस तैयार है क्योंकि कोविड के बाद एक मेंटेलिटी हो चुकी है कि हम लोग 3 घंटे की फिल्म नहीं देख सकते हैं, अभी हमको चाहिए कि 2 घंटे में आप क्या कुछ अपना बेस्ट दे सकते हो। और डायरेक्टर के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटों में आपको बांधे रखना है सीट के ऊपर, आपको हिलना भी नहीं है, ना लू के लिए ना किसी के फोन के लिए। तो इवन इफ ये मैं घर पे बैठ के देख रही थी बट मैं नहीं उठी हूँ थ्रू आउट द फिल्म। तो आई थिंक दैट वॉज अ ग्रेट ग्रेट जॉब बाय द एंटायर टीम एंड आई ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएटेड इट। एक से दो खामियां हैं बस फिल्मों इस फिल्म में। सबसे पहले चीज तो बहुत शार्प कट्स है, हालांकि एक खामी नहीं हो सकती, पर जो भी लोग इस जॉनरा की फिल्में ज्यादातर नहीं देखते उनको ये काफी शार्प कट्स काफी इंटरप्टिव लगेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा बहुत अगर इन डिटेलिंग 2 कट्स के बीच अगर आप दिखाते तो भी हमें चल जाता, थोड़ी बहुत और लेंथ भी होती तो भी चल जाता। सेकेंड थिंग कि इस फिल्म में जो क्लाइमैक्स दिखाया गया है, मैं ओके देयर इज नो स्पॉइलर लेट मी टेल यू, यहाँ पे कोई मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ, बट मैं
क्लाइमैक्स से संतुष्ट नहीं हूँ. मतलब ऑब्वियसली इसी जॉनरा की दृश्यम अगर हम लोग देखें, दृश्यम है, दृश्यम टू, तो पूरी फिल्म बहुत ही तगड़ी जाती है पर क्लाइमैक्स सबसे ऊपर होता है, क्लाइमैक्स और ज़्यादा बेहतरीन निखर के आता है. यहाँ पे मेरे साथ उल्टा हुआ कि पूरी फिल्म बहुत ही बढ़िया जा रही थी, बहुत ही बढ़िया जा रही थी, बट एट द एंड ऑफ द फिल्म क्लाइमैक्स के यहाँ पर ना एक सवाल हमें ये फिल्म छोड़ के जाती है और शायद इसका अगला पार्ट आएगा, बट हु नोज. बट ओवरऑल मैं थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ क्लाइमैक्स से. बट ओवरऑल ये काफ़ी मुझे लगता है कि छोटी खामी है जिसके ऊपर हम लोग नज़रअंदाज डेफिनेटली जिसको कर सकते हैं. बाकी ये फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. ये एक वैसी फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स मुझे पता होने के बावजूद ये फिल्म मैं एक और बार जरूर रिविजिट करना चाहूँगी अपने लाइफ में. बाकी आप लोगों की क्या राय मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में. ये था मेरा रिव्यू जाने जा इस फिल्म को लेकर, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आते रहेंगे और आप लोग प्लीज़ अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा. मैं हर कॉमेंट पढ़ती हूँ भाई साहब. Please do that for me. And मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक peace out.